जिसको बोलते हैं ना कि एक इरादा पक्का होना चाहिए कि मेरे को करना है, चाहे आप छोटे से शुरू करें, चाहे आप ट्यूशन सेंटर ही क्यों ना खोलें, राइट। एटीट्यूड के बाद आपका जो बी है, मैं उसको बोलता हूँ बिहेवियर। आपको जैसे बहुत सारे मैंने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनका बिहेवियर ही नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर। बिकॉज एंटरप्रेन्योर, एज़ आई सेड अगेन, आई विल गो बैक टू द सेम वर्ड, द लाइफस्टाइल। You have to have a body language, you have to have some kind of a behavior, you have to behave in a certain way, you have to understand the other person in a certain way. Third most important thing is, I call this a communication. Communication is very important, right? So communication means that whatever you are trying to communicate, your product, your service, your message, your brand, your talk, you as a person, your own personal branding. Because first of all, I will not take anything from you if you don't develop personal brand first in front of me. I have to be known to do something. Yeah, wo hai wahan pe wo sector 15 mein wo lady hai, wo bahut sare artificial jewelry bechti hai. You know, that kind of a branding, personal branding is very important. That will only happen through communication, not by making multiple WhatsApp groups. You know, it's not going to work. You have to brand yourself. You have to communicate yourself. You have to communicate your thought process. And the fourth one I call this a discipline. Anushasan बहुत जरूरी। अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो भी आज करते हैं, वो एक महीने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए। You have to have a consistency in doing that. And how will this A B C D come in? I related with a skill called driving skill. You know, हमारे पास driving में जब हम driving सीखते हैं, how many of you can drive a vehicle? Okay. हमें driving school सबसे पहले क्या सिखाता है? Accelerator, brake and clutch, right? और मैंने उसमें एक चीज़ और add करी हुई है, वो है discipline. अगर आपका accelerator, brake और clutch, अगर आपने समझ लिया ABCD of business, ABCD of entrepreneurship, और डिसिप्लिन साथ में रख लिया, तो अगर आप स्टेयरिंग पे हाथ नहीं भी रखेंगे, इट विल यू विल मूव फॉरवर्ड वेरी इजी। यू नो, योर विजन विल बी वेरी क्लियर। सो विद दिस एबीसीडी यू नो बैकग्राउंड, आई वुड लाइक टू से दैट व्हाट इज योर विजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू क्रिएट अ विजन फॉर, आई कॉल दिस एज अ 1-3-5 रूल। 1-3-5 रूल मींस आपका कम से कम 5 साल, 3 साल और 1 साल का एक स्ट्रेटजी, एक विजन होना चाहिए। सिंपल। अब वो कैसे होगा? तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक वो बनेगा नहीं, तो लिखना बहुत जरूरी। सो विजन आपका बन गया, उसके बाद आपने एक स्ट्रैटेजी बना दी कि मैं कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। अभी हमने सुना, ये तो एकेडमिकली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपके स्किल सेट्स हैं? तो मैं कहता हूं कि स्किल सेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस। व्हाट इज रिक्वायर्ड? योर बिजनेस और योर एंटरप्रेन्योरशिप, 80% इज स्ट्रैटेजी, 20% इज स्किल। डोंट गेट हैसल्ड कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टीचर नहीं बन सकती, मैं ट्यूशन सेंटर खोल सकती हूं, मैं 4 टीचर्स को हायर कर लूंगी। सो इन एंटरप्रेन्योरशिप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू कैन हायर द स्किल, यू कैन बाय द स्किल, यू कैन डेवलप द स्किल। यू डोंट नीड टू बी स्किल्ड फॉर डूइंग एवरीथिंग, बट व्हाट यू नीड टू हैव, यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर विजन एंड यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर विजन और स्ट्रैटेजी है, तो एक्शन अपने आप हो जाए। और अगर आपके पास एबीसीडी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है और वो एवरी डे यू आर रिफाइनिंग इट, एवरी डे यू आर इंप्रूविंग इट, यू विल डेफिनेटली मेक इट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन आई एम गोइंग बैक टू इट, बिकॉज दिस इज नॉट अ टेक्निकल सेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट ट्रिगर यू दैट ओके, इवन इफ यू डोंट गेट इन टू इन 2019, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव नॉट स्टार्टेड द जर्नी एंड यू आर नॉट स्टार्टिंग द जर्नी 2019, बट एटलीस्ट यू आर मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स, यू आर मोटिवेटिंग अदर टीचर्स, यू आर मोटिवेटिंग सोसाइटी टू रियली गेट इन टू द एंटरप्रेन्योरशिप। But I can tell you one thing, with 26 years of experience, I worked only for 4.5 years in my career after doing my engineering in 1993. I worked with top manufacturing companies in Pune, in Gurgaon, and then I stopped going to the office. I told my boss that I cannot take it anymore because I feel like one of the boys in the company. It was a big corporate, you know, I was with the largest, Asia's largest manufacturing company I started with my career with. But एक time ऐसा आया कि मैंने ये देखा कि मैं purchase में था, I'm an engineer by my education. मैंने ये देखा कि मैं जो purchase में हूँ, जो vendor development जो होता है, एक section होता है purchase में, जिसमें हम अपने supply chain के लोगों को improve करते हैं, and I realized that हम
कॉस्ट कटिंग करके उनसे बेस्ट प्रोडक्ट लेना लेने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग किस हालात में बैठे हैं, तो व्हाई नॉट टू हेल्प देम. सो आई वेंट डाउन एंड रियली स्टार्टेड हेल्पिंग द एसएमईज ऑफ इंडिया, एंड प्रॉब्ली आई मस्ट हैव टच्ड मोर देन 500 कंपनीज सो फार इन लास्ट 20 इयर्स. एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, दैट द प्लेजर ऑफ सर्विंग इंडस्ट्री, सर्विंग सोसाइटी, सर्विंग द रेस्ट ऑफ द people around you through this entrepreneurship, it's a great feeling. It's like service. Paisa to aap kahin se bhi kama sakte hain, aap job mein bhi kamate hain, aap sab jagah kamate hain, lekin jo entrepreneurship ek feel hai wo theek hai, usse aap aur bhi employment generate karte hain, wo to sabko pata hai, lekin sabse important cheez aap kya karte hain, aap actually you are in a service mode automatically, you are actually serving people, you are actually serving that economy, the entire economy, that is the most important. Now I'll just bring back your focus on the woman entrepreneurship. We have been, though I have not been. Sir, I have a question. Please. The question is like, why thinking so hard about entrepreneurship? Yeah, I want to become an entrepreneur in 2019, and very easily we can start with the team, we can start with this and that. From where to find that idea? I mean, what is, how to? Yes. What is? I mean, how to go ahead with that? See, it's a very good question. You see, because idea really to start with all other things. देखिए idea आता कहाँ से है? बहुत अच्छा question. Idea आता कहाँ से है? हमारे पास बहुत गलत ideas आते हैं दिमाग. अच्छे ideas नहीं आते. कि किसकी कहाँ पे चुगली करनी है, किसकी कहाँ पे पीछे backbiting करनी है, उसके लिए हमारा बहुत creative mind होता है. मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने जैसे बताया कि creativity is the function of ideas. अगर आप creative नहीं है तो आपको ideas नहीं आ सकते. और क्रिएटिविटी का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक उसका मूल है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग. वो है पॉजिटिव थिंकिंग, हैविंग ए विजन फॉर समथिंग बिगर. हम ड्रीम, हम बोलते हैं ना, यू शुड हैव इट बिगर ड्रीम. बट यहां पर मैंने स्लाइड पे देखा कहीं पे कि प्रॉब्लम्स, प्लीज रिमूव दिस वर्ड कॉल्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, फ्रॉम योर लाइफ. देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रॉब्लम. व्हाट इज इट? इज चैलेंज. एंड एक्सेप्ट द चैलेंज फॉर द प्रॉब्लम. क्योंकि जहां पे मैं प्रॉब्लम देखता हूं वहां से हम स्टक हो जाते हैं. तो आइडिया कहां से आते हैं? जब हम बिल्कुल खुल जाते हैं. अब जैसे खुलने का क्या होती है? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैन. सी, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से पैशन, डेफिनेटली पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पैशन भी ड्राइव करता है हमारे. लेकिन पैशन के साथ में जो आइडिया और इनोवेशन की बात आती है और एक्शन की बात आती है, तो पैशन, देखिए मैं आपको छोटे से एग्जांपल बताता हूं, प्लीज लिसन केयरफुली. आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. देयर वर अबाउट 300 स्टूडेंट्स. मैं इसी पैशन की बात कर रहा हूं. मैंने स्टूडेंट से पूछा दैट व्हाई आर यू हियर. इट वाज अगेन एन एंटरप्रेन्योरशिप क्लास. ही सेड, सर, वी आर हियर टू रियली understand what is entrepreneurship. I said, what is your passion? One student got up and he said, sir, my passion is guitar. Right? I asked him a simple question, then why are you here in the computer class? So there is, you see, I always say, if you see my Facebook, I always say that passion you have to bring along. What you need to have is, you can have a passion, but you have to have a strategy and you have to have an action plan with you. Passion you don't leave behind, you bring it back. But if you only are driven by passion, this is my personal experience. If you only, मैंने बहुत सारे कामों में मैंने गलतियां करी, मैं बहुत passionate था लेकिन मेरे पास plan नहीं था, मेरे पास कोई action plan नहीं था, मेरे पास कोई strategy नहीं थी. मैं सिर्फ passion से गया लेकिन आगे मेरे को ठोकर मिली, मुझे आगे लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो मुझे नहीं जाना चाहिए. So passion you can bring along, don't leave that passion. But you have to have good idea, you have to have strategy, you have to have action plan with you. और जब तक आप इन सब चीजों को लिखेंगे नहीं, जब तक आप इन सब चीजों को लिखेंगे नहीं, अपनी एक डायरी नहीं बनाएंगे, अपने आइडियाज को का फ्लो रुकने नहीं देंगे, उसको लिखते रहेंगे, यू विल सी इफ इन अ मंथ यू विल गेट मोर देन 15 टू 20 आइडियाज, यू विल रियली कम टू अ वन आइडिया कि साहब ये मेरे को है. अब रही बात की आइडिया आएगा कहां से, आइडिया आता है व्हेन यू आर एक्चुअली एक्सपोज्ड टू द ऑडियंस, व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू पीपल. जब आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे, जब आप अच्छी कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे, जब आप अच्छा पढ़ेंगे, जब आप अच्छा देखेंगे, जब आप उस पर्टिकुलर फोकस्ड अप्रोच से किसी चीज को देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको आइडिया आएगा. पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे तो डेफिनेटली आएगा. देखिए, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है तो आइडिया नहीं होगा हमारे.
आइडिया जरूर होगा, मे बी वेग होगा, मे बी ब्लर होगा, लेकिन आइडिया जरूर होगा। तो मेरा ये आपसे सबसे एक एडवाइस है कि आप उन आइडियाज को लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। जब आपकी डायरी 2 पेज की बन जाएगी, उसके बाद आप उसकी प्रायोरिटाइजेशन रैंकिंग करें। अच्छा ये नहीं कर सकता, उसमें से 3 काट दें, फिर और लिखें। मैं आपको एक हफ्ते का, अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं आज, अगर मैं एक हफ्ते का होमवर्क दे दूं, आप सिर्फ अपने लिए ही आइडिया नहीं जनरेट कर सकते, आप और 10 लोगों के लिए जनरेट कर सकते हैं आइडिया। और वो सब चीजें तो आज हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज जो भी करने जा रहे हैं, जैसे ओला बना, ओला वॉज नॉट समथिंग न्यू, ओला वॉज इंस्पायर्ड बाई उबर, इट वॉज इन यूएस, ओला वॉज नॉट समथिंग न्यू। सो बहुत सारी चीजें होती है जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। अगर आप बहुत ही इनोवेटिव हैं, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आपके पास आइडिया है जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं है, वो तो फिर एक अलग लीग है, दैट्स अ डिफरेंट लीग ऑल्टोगेदर। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बहुत ही सिंपल, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। आज मेरा बेटा टॉप 100 इंडिया में आया, 2 महीने की सिलेक्शन प्रोसेस से, 8 प्रोसेस से गुजरा, 100 में आया, आज वो क्वालिफाइड ही हुआ टॉप 10 में, ठीक है। तो मैंने उसको पिछले 2 महीने में सिर्फ यही ट्रेनिंग दे रहा था कि बेटा डू योर बेस्ट, एक्सपीरियंस इट, एंजॉय, डोंट एक्सपेक्ट। सो ही वाज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, ही सेड पापा आई रियली एंजॉयड इट। सो ही इज नॉट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, डजंट मीन दैट ही विल नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस पॉइंट दैट टुडे यू हैव मेनी आइडियाज, ओनली थिंग इज आप आइडियाज की प्रायोरिटाइजेशन रैंकिंग कैसे कर रहे हैं। तो क्या आप आइडियाज को सीरियसली आइडिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको आप लिखने के लिए और उनके ऊपर काम करें, क्योंकि आइडिया हमेशा हाथ से फिसल जाएगा अगर आप सीरियस नहीं होंगे। अगर आपको 2019 में जर्नी शुरू ही नहीं करनी है तो कोई भी आइडिया आपके काम करें। ओके, सो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट अग्रवाल कॉलेज फॉर कंडक्टिंग दिस, दिस इज माय सेकंड टाइम इन दिस हॉल, सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, विद ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हियर, जैसे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने इनोवेशन सेंटर में, हमने करीब 3 साल पहले हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, 5 डेज शॉर्ट MBA फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, यू नो इट वाज ऑन MBA ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स अ प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिकल 3 डेज सर्टिफाइड प्रोग्राम, यू नो 5 डेज सर्टिफाइड प्रोग्राम। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है उसमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 महीने का होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसमें आप लोग At the end of 3 months, you should come up with a project report. देखिए, बातें करने से और लेक्चर देने से और डिस्कशन करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रियंका यहाँ पे बैठी हुई है, she is a chartered accountant, she has her own story. हमें entrepreneurs को अपनी story बनानी। We are the story. We should become at the end of the day, we should become storytellers. अगर हमारे पास story है, तो हम दूसरों को inspire कर सकते हैं। Entrepreneurship का यही एक मतलब। तो अगर मैं आज प्रोफेशनल से अगर मैं बिजनेसमैन बन गया, मैं अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोलता हूं, मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर ही बोलता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा प्रोफेशनल हूं, बिजनेसमैन कम, क्योंकि मेरे पास कोई B2B2C कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो B2B ही काम करता हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इफ आई अर्न दिस मच, बिकॉज़ देयर इज नो एंड टू अर्निंग आल्सो। बट अगर आज मेरी सिस्टर या मेरी वाइफ या मेरी कोई फ्रेंड या कोई मेरा कोई दोस्त मेरे को ये बोले कि मिस्टर पंडित व्हाट इज देयर टू स्टार्ट विद, आई सेड the low hanging fruit which you think you can do easily you should start, even if you start earning 5000 rupees a month. Agar aap college aati hain, agar aap MBA karti hain aur simultaneously aapko koi business shuru karna, start with that. There are many examples. I can really read them all, there are a lot of examples, but the idea is that are you really serious about it? If you are not serious, nothing is going to happen. It will only remain in academic books and research papers. So I think this is the time, and the ecosystem is so so great outside that you can actually do it, because ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक आइडिया सुनाना है और जो जिसमें आपका बेस्ट जो आपका कोर जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर काम कीजिए। कोई एक प्रोडक्ट उठाइए, कोई सर्विस उठाइए।